राजनीतिक में सब कुछ संभव हो सकता है, हम इसलिए कह रहे हैं साहब, आप भी यदि बिहार से हैं या किसी भी राज्य से हैं, यदि आप भी भारत के निवासी हैं, तो आपको जरूर यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीतिक के बारे में आपको जानकारी होगा। राजनीतिक में सब कुछ संभव हो सकता है। पिछले कुछ दिन पहले आप याद कीजिए, एक बार हम आपको पिछले 2020 का एक बात याद दिलाना चाहेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव भी शामिल थे और मुकेश सहनी शामिल थे। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके ही, तेजस्वी प्रसाद यादव का साथ छोड़ करके, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी बाहर निकल जाते हैं और काफ़ी आग बबूले होकर के मीडिया रिपोर्ट की माना जाए, मीडिया से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी जी कहते हैं, ये आदमी मेरे पीठ में खंजर घो पाए, ये आदमी मेरे पीठ में चाकू मारा है, ऐसा मुकेश सहनी का कहना था। काफ़ी वो आग बबूला होकर के अपना क्रोध साझा कर रहे थे और कह रहे थे कि इस आदमी को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हम राजा के बेटा को राजा नहीं बनने देंगे। और आप सब कुछ ये सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हम आपको बता दें, आपको भी ऐसा कि पता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ शामिल हो गए हैं मुकेश सहनी, और आजकल बड़े भाई और छोटे भाई का नाता रिश्ता चल रहा है। मुकेश सहनी कह रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव को, तेजस्वी प्रसाद मेरा छोटा भाई है, तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं मुकेश सहनी जी मेरे बड़े भाई हैं। दोनों आदमी मिल करके जिस तरह से सरगर्मी लोकसभा चुनाव का लेकर के तेज है, उसी तरह ये लोग अपने प्रचार प्रसार में भी काफ़ी दमखम लगा चुके हैं लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। सभी पार्टियां अपनी अपनी ढंग से तैयारियां कर रही हैं और सभी पार्टियां चाह रही है हम चुनाव जीत लें। बाकी आजकल तो इन लोगों का सोशल मीडिया पे तमाम आप भी पोस्ट देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी का, दोनों व्यक्ति जा रहे हैं, कहीं भी मंच साझा कर रहे हैं, एक साथ एक मंच पे जरूर दिख रहे हैं। कभी आप मछली खाते देख रहे हैं वीडियो तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी का, तो कभी उनका वीडियो नारंगी खाते हुए। हम आपको फिर से 2020 का एक बात और याद दिलाना चाहेंगे। 2020 में राजद के पास 166 अपना सीट था और एनडीए के पास बहुमत था। मुकेश सहनी के पास महज 4 सीटें थी। उस समय मुकेश सहनी तेजस्वी यादव का साथ नहीं दिए, आरजेडी सत्ता से दूर हो गई, एनडीए की सरकार बन गई, एनडीए के सरकार में मुकेश सहनी को मंत्री बनाया गया। और आज ये सब कुछ भूल गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। मुकेश सहनी से जब तेजस्वी प्रसाद यादव की जब जरूरत थी सरकार बनाने की, तब मुकेश सहनी तेजस्वी प्रसाद यादव का साथ नहीं देते हैं। और आज यही तेजस्वी प्रसाद यादव मुकेश सहनी को अपने 26 लोकसभा सीट में से 3 लोकसभा सीट मुकेश सहनी को दे देते हैं, वो भी गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राजनीतिक में सब कुछ संभव हो सकता है। जैसा कि उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस तरह बीच से ही छोड़ करके भागे हुए थे मुकेश सहनी और बोले कि हम राजा के बेटा को राजा नहीं बनने देंगे, ये व्यक्ति तेजस्वी प्रसाद यादव मेरे पीठ में खंजर घोंपा है, चाकू मारा है, ऐसा वो अपने क्रोध में, राजनीतिक दुख दर्द में आकर के कह रहे थे। लेकिन आज एक साथ एक मंच पे जा रहे हैं, एक साथ मंच साझा कर रहे हैं और बड़े भाई छोटे भाई का नाता रिश्ता चल रहा है और बहुत ही उनका सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है, कभी नारंगी खाते तो कभी मछली खाते, और कह रहे हैं कि साथ दीजिए, हम लोग दोनों भाई मिल करके देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बिहार राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे।